गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम आरआरबी ग्रुप डी का जो आज 26 नवंबर का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें लगभग हम 40 से 45 क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स बता दें, देखिए क्वेश्चन पेपर जो है आज का जो थर्ड शिफ्ट है वो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट से थोड़ी मॉडरेट है और थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ऐसा नहीं है कि उन जो पहली और सेकंड जो शिफ्ट थी उससे टफ क्वेश्चन ही बोलूँगा उसको। उस जो टफ क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी उससे मॉडरेट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताऊँगा मैं फ्रेंड्स आपको कि अगर आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको पढ़ना ही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑनलाइन फ्री स्टडी पर उसकी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स वहाँ पर आपको अगर पीडीएफ उन चीज़ों की, अगर आप जीके जीएस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, या कोई भी अगर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो फ्रेंड्स किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको एक टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पीडीएफ है, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है और बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और वहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अदर्स जो चैनल हैं, अदर बड़े बड़े चैनल्स हैं वो भी वहाँ पर पोस्ट डालते हैं। तो आपको फ्रेंड बता दूँ वहाँ पर आपकी हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन था, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? तो ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड्स होते हैं 7। शरीर में श्वसन कौन प्रदान करता है? तो श्वसन, वहाँ पर दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या तो रेड ब्लड सेल होंगे यानी कि आरबीसी, या फिर आपकी ब्लड हम वहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, धातु जो पानी से रिएक्शन नहीं करता, ऐसी धातु बतानी थी जो पानी से रिएक्शन नहीं करता। तो आपके ऑप्शन में था चांदी यानी कि एजी, तो आपका वो आंसर सही था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण का फोकस पॉइंट कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण जो है वो आपको दिख रहा है इस प्रकार होता है, और जब इस पर कोई भी रे का हम रे आती है इस पर, तो वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। डाइवर्ज मतलब फैल जाती। तो अब ये कहीं पर नहीं मिलेगी, आप ये सोच रहे हो ये तो कहीं पर नहीं मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी? अगर इसको लाइन को पीछे लेके आएंगे तो ये एक पॉइंट पे जाके सारी मिल जाएंगी। और एक पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड फोकस या F2, इसका नाम है। जो भी आपके ऑप्शन में एक ही दिया होगा इनमें से, तो वो आपको लगाना है। आगे देखते हैं, भ्रूण का डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो ये होता है यूट्रस में। प्लांट रिप्रोडक्शन से मैंने आपको पहले बताया था, प्लांट रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आएंगे, और जैसा कि मैंने बोला था पहले भी क्वेश्चन आए और अभी भी आ रहे हैं। तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आपका, मैंने आपको टॉपिक्स डाले थे एक ग्रुप डी के, मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डाले थे, वो टॉपिक्स को देखना है, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन का भी था, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ह्यूमन डिसीज भी था। तो फ्रेंड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने डाल चुका हूँ, बायोलॉजी के और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डाल चुका हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो था फोर्स और मोशन से रिलेटेड था। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, मृत अवस्था में क्या पाया जाता है? तो मृत अवस्था में पाया जाता है विषाणु। क्या पाया जाता है? विषाणु। देखिए फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक्सेलरेशन इसमें पूछा गया था आपसे, F=ma बराबर जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पर आपसे पूछा गया था। और फ्रेंड्स बता दूँ ये आपको इजीली निकालना था, बहुत ही सिंपल था, एक्सेलरेशन निकालना था, m यहाँ पर रखना था, a यहाँ पर एक की वैल्यू निकालनी थी, F फोर्स रखना था, और मोशन जो भी आपको दिया था द्रव्यमान वो आपको निकालना था। नेक्स्ट देखेंगे DDT की फुल फॉर्म पूछी थी, तो डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन इसका नाम होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये 2-3 बार आ चुका है। आगे देखते हैं जो करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स, AICTE के चेयरमैन कौन है? अनिल सहर सर्वदे। फीफा अंडर 17 होस्ट किसने किया? इंडिया ने किया, विनर थी इंग्लैंड और रनर टीम थी स्पेन। काजीरंगा नेशनल पार्क कब बना? तो कब बना, 1908 में, और यूनेस्को कब बना, 1988 में, यूनेस्को में उसका नाम कब आया, 1988 में। आउटलुक के एडमिनिस्टर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड किसको मिला? आउटलुक एडमिनिस्ट्रेटर
अवार्ड किसको मिला देते हैं, ये मिला नवीन पटनायक को। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी हुआ था 1 जुलाई को, ठीक है, जीएसटी डे से हमें बोलते हैं। पीएम मोदी जीएसटी डे, एक्चुअली आपसे पूछा था पीएम मोदी ने शिव की मूर्ति का अनावरण किया है तो किस सिटी में किया है, तो देखिए पहली बात तो शिव की मूर्ति 112 फुट की थी, फिट की थी, और कोयम्बटूर में किया था। कहाँ पर किया था, कोयम्बटूर में। वर्ल्ड वॉर में किस गैस का प्रयोग किया गया, तो किसका गैस का प्रयोग किया गया, मस्टर्ड और क्लोरीन का। इंडिया का पहला मेट्रो स्टेशन कहाँ है, पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा था, कोलकाता। टीवी का इन्वेंशन किसने किया, तो किसने किया, वर्ड और चार्ल्स ने। आर अश्विन, जो रनचंदन अश्विन है, उन्होंने 100 विकेट कहाँ लिए, नागपुर में, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा, डी लिली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे थे फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्लॉक में हमें बताना है, क्लॉक से क्वेश्चन है, 3:40 पर घड़ी में क्या एंगल बनाएंगे, तो घड़ी में मैंने आपको हमेशा बताया है, घड़ी में अगर मान लीजिए दो कांटे हैं तो दोनों तरफ से ये एंगल बनाएगी, इस साइड से भी बनाएगी, इस साइड से बनाएगी, तो आपको डिपेंड करता ऑप्शन पे, पूछा क्या है, बड़ा वाला एंगल पूछा है या छोटा वाला एंगल पूछा है, वो आपका बताएंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, 11/2 m = 30 × hr, प्लस माइनस थीटा लगाई नहीं लगाई वो तो आपका ऊपर है, वो एंगल निकालना है, वैसे भी एंगल निकालें कोई दिक्कत नहीं, तो इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उनको घटा देना एक दूसरे से, तो थीटा आ जाएगा 130। अगर 130 नहीं दिया है तो 360 में से आप 130 घटा दीजिए, ठीक है, 130 घटाएंगे 0, 3, 2, 230 आ जाएगा आपका आंसर। अगर आपको ऑप्शन में 230 दिया 230 लगाइए, 130 दिया तो 130 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिरर से इमेज से क्वेश्चन आया था, तो मिरर से ये सब क्वेश्चन नहीं है, सरल क्वेश्चन है बहुत, लेकिन वहाँ भी सरल क्वेश्चन आया था, तो फ्रेंड समझ लीजिएगा मिरर से क्वेश्चन आ रहे हैं। वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने समझा चुका हूँ, वाटर इमेज और मिरर इमेज बहुत सिंपल होते हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 सेकेंड लगते हैं सॉल्व करने में। आगे देखते हैं, ऑड वन आउट से क्वेश्चन आया था, तो देखिए 135, 152, 204 और ऑड वन आउट 113, तो सब रे सारे के सारे सम संख्याएं और ये 113 क्या है, विषम संख्या है। आगे देखेंगे 2, 4, 8, 14, 22, फिर क्या आएगा, देखिए 2 का बाड़ा पड़ रहे हैं यहाँ पर, 2, 10, 10 प्लस करेंगे 22 में तो 32 आएंगे, हमारा आंसर आएगा 32। नेक्स्ट देखेंगे 6 जनवरी 2010 को सोमवार था, 6 जनवरी 2012 को कौन सा बार होगा, 6 जनवरी 2010 को क्या था, सोमवार था, 6 जनवरी से लेकर 2010 से लेकर 2011 में जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है, 2011 से 12 में जाएंगे दो वर्ष बढ़ेंगे क्योंकि जो 12 जो है उसमें 4 का भाग चला जाएगा, 4 × 12 पूरा शेषफल नहीं बचेगा, तो यह 2 दिन बढ़ेंगे, टोटल मिला के बड़ा 1 और 2, 3 दिन बढ़ गए। सोमवार से क्या हो गया, सोमवार से मंगल, बुध और गुरुवार क्या रहेगा, गुरुवार हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स मैथ के क्वेश्चन जो पूछी गई थी, आज जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए x + 1/x = 3, यहाँ पर 2 था, ठीक है 2 था, वहाँ आप 3 कर दिया है, बाकी नहीं, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस चेंज किया है क्या, माइनस और प्लस, सुबह की जो शिफ्ट थी उसमें क्वेश्चन यही आया था, ठीक है, वहाँ पर आपको फॉर्मूला लगा करना था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा करना है, p² - 2 = 2, यहाँ पर आप रखेंगे तो 7 आ जाएगा, चाहे आप उससे कर लीजिए चाहे आप स्पेस स्क्वायर लगा लीजिए, स्पेस स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 3 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा तो ये 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लीजिए फ्रेंड्स, चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, चाहे इसको ऑल स्क्वायर कर दीजिए, a + b² का ऑल स्क्वायर लग जाएगा, चाहे ऐसे कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी ऊपर है, आपके अगर ये याद है फॉर्मूला तो इससे कर लीजिए, चाहे वो फॉर्मूले से कर लीजिए। आगे देखते हैं 2000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष में 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है आपको, तो फ्रेंड देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है, तो सबसे पहली बात है हमें एक साल का हम निकाल सकते हैं, लेकिन आधे साल का कैसे निकालें, तो मैं बताऊंगा आधे साल का कैसे निकाल लें। पहले तो आप क्या करिए, 2000 का 10% निकालिए, कितना होगा 200 रखिए, 1 200 का 2 200 रख दिए, दो लाइन बना दी, पहले तो एक लाइन ऐसी बना लीजिए, ठीक है, और एक लाइन ऐसी बना लीजिए, तो एक लाइन ऐसी दो को नहीं, इस पर 200 रखिए और इस पर भी 200 रखिए, ठीक है। अब इस 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, कितना होगा, 200 का परसेंट 20 होगा। अब ये लास्ट वाली लाइन दी है, पहला वर्ष तो पूरा है लेकिन दूसरा वर्ष जो है आधा है, तो इसमें 2 का भाग लगा दी, वो आधा हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 200 है, 200 100
यहाँ पर कितना होगा, 200, 100 और 10, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 200, 100 हो जाएगा ना, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हो गए ये 310 कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया। ठीक है, आगे देखेंगे, एक कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है जाती है, ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, औसत गति ज्ञात करनी है। 2ab/a बराबर दिया है 30 और b बराबर दिया है 20। बाकी क्वेश्चन आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, साइन 2 थीटा दिया हुआ है हमें अंडर रूट 3/2, उसके बाद दिया है साइन 3 थीटा निकालिए। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि साइन 60 बराबर होता है अंडर रूट 3/2, तो आप साइन 60 का मान ही यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए 2 साइन, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, थीटा बराबर 30 आ जाएगा 2 साइन, साइन का मतलब यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ये इसको हटा दीजिए अभी देखो देर के लिए, ठीक है, यहाँ पर हटाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये जो थीटा है वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि थीटा बराबर 60 है, ठीक है, थीटा बराबर कितना 2 थीटा बराबर कितना है, यहाँ पर उसको हटा दीजिए 60 हो जाएगा, ठीक है, इसको बराबर रख देंगे तो हमारा कितना है थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर 30 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 * 9 = 9 यानी 90 डिग्री जो है साइन नंबर में एक मान होता है, क्या हुआ आंसर 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, 5 रुपए में 8 की दर से, मतलब 5 रुपए में कोई चीज है वो दे रहे 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उनमें 12% लाभ कमाने के लिए नींबू को किस दर पे बेचना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 रुपए दिए हैं, 8 नींबू हैं, घाटा कितने का हो रहा है 20% 80% की उसकी वैल्यू हुई, उसे बेचना कितना है 12% एक्स्ट्रा में बेचना है, लाभ में बेचना है, तो 112 का इंटू कर दिए, और ध्यान रखिएगा पूरा नहीं काटिएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आने वाला है, आपको दर निकालना है रुपए निकालने हैं, तो 7 यहाँ से बच जाएंगे, नीचे 8 बच जाएंगे 8, तो 7 रुपए में 8 नींबू की दर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, 2 पाइप दिए हुए हैं ए और बी, किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप ए उसे 2 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसे अकेले एक अकेले कितने मिनट में भरेगा, तो अकेले भरना है पाइप बी को, पहले तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए 20 और 24, ठीक है, कितनी 20 और 24, तो 20 और 24 का कितना एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 120, कितना आएगा 120, ठीक है, 120 एलसीएम आ जाएगा। फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या है, ये 2 मिनट में नहीं भरेगा, जो ए जो है वो भरेगा 24 मिनट में, कितने में भरेगा, ए जो है 24 मिनट में अकेले भरेगा, ठीक है, अब ये क्वेश्चन सही हो गया, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 2 मिनट नहीं है 24 मिनट है, ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर दिया है 20 और ए बराबर दिया है कितना 24, ठीक है, तो 24 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120 आ जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी आई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई कितनी 6, ठीक है, और ए अकेले की आई है कितनी 5, तो बी की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी 1 एफिशिएंसी हो जाएगी। अब 1 एफिशिएंसी उसको काम करना है 120 मिनट तक, तो कितने मिनट में करेगा 120/1, तो 120 आंसर आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो, अब देखने वाले हैं हम कि आपका बेस्ट अटेम्प्ट या गुड अटेम्प्ट क्या होगा। तो फ्रेंड देखिएगा, आज जो थर्ड शिफ्ट थी थोड़ी सी अच्छी शिफ्ट थी, इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, और जो जनरल साइंस क्वेश्चन थे थोड़े मॉडरेट थे। तो देखिए इसमें ज़्यादातर मैं बता दूं, देखिए आपका अगर क्वेश्चन आप अगर 90% की एक्यूरेसी रखते हैं तो आप इसमें 75 क्वेश्चन करके आ सकते हैं, मैक्सिमम 75 जो कि आपकी एक्यूरेसी रहेगी, और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन करने की गलत या 3 क्वेश्चन करने की गलत करने की अगर 90% है 3 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी जो एवरेज चाहते हैं, आपका बिल्कुल एवरेज चाहते हैं कि भाई आपका जो सिलेक्शन हो जाए कोई दिक्कत ना आए, तो आप 68 क्वेश्चन करके आइए, कितने करके 68 क्वेश्चन करके आइए, जो कि 80% समथिंग एक्यूरेसी होनी चाहिए। और यहाँ से अगर आपके 4 या 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, कितने होते हैं 4 या 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो ये जो रहेगी वो 63 पर पहुँच जाएगी, कितने पहुँच जाएगी आपका 62 पर पहुँच जाएगी, कितने पर 62 पर आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी। और फ्रेंड देखिए ये कई बार कई जगहों पर ये 62 है ना ये मैटर करेगा, अगर कई बार देखिए अगर आपका जो शिफ्ट है वो ज़्यादा लेंदी थी तो 1 नंबर बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर 1.5 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन अगर नहीं थी तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसा भी होता है कि आपके नंबर घट भी जाते हैं बढ़ भी जाते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट सरल थी या टफ थी, जो भी उसके अकॉर्डिंग उनका जो फॉर्मूला रहता है उसी से
वो करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप बटन दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने फ्रेंड्स को बताइए किस प्रकार की वीडियो और किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे अगर रेड बटन अभी भी दिख रहा है सब्सक्रिप्शन का, उसे दबा दीजिएगा। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे दबाइएगा, जिससे क्या जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो आपको मिलती रहेंगी। और बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।